गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स डियर आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिड कॉम्प्रीएशन डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ कॉम्प्रीएंशन हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या किया था कॉम्प्रीहशन किया था आपको याद है कॉम्प्रियशन क्या होता है क्या होता है कॉम्प्रीहशन कॉम्प्रिहशन में एक पैसेज गिवन होता है एक पैराग्राफ गिवन होता है जिसको आपने अच्छे से रीड करना होता है अंडरस्टैंड करना होता है फिर उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने उसके आंसर्स उसी पैसेज में से ही ढूंढने होते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ता क्योंकि सारे आंसर्स तो पैसेज में ही होते हैं टुडे अगेन वी आर गोइंग टू डू कॉम्प्रीहशन ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वी विल रीड द हेडिंग रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पैसेज को रीड करो फिर क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करो एना इज अ काउ यहाँ काओ का एक नेम दिया गया है एना एना कौन है एक काऊ है शी लिव्स ऑन अ फार्म विद हर फैमिली शी किसके लिए यूज़ किया गया एना के लिए यूज़ किया गया इसमें बताया गया है कि एना एक काऊ है वो कहाँ रहती है फार्म पे रहती है अपनी फैमिली के साथ विद हर फैमिली मीन्स अपनी फैमिली के साथ शी हैज़ अ क्यूट काफ काफ कौन होता है जो काउ का बेबी होता है तो जो एना है उसका एक क्यूट सा काफ है ऐनाज हजबेंड इज़ बिग बुल जो एना का हस्बैंड है वो एक बिग बुल है एना ईड्स ग्रास एंड गिव्स मिल्क जो एना है वो ग्रास खाती है और जो है मिल्क देती है ईट्स मीन्स खाती गिव्स मीन्स देती वो ग्रास खाती है और मिल्क देती है किसे देती है मिल्क हमें ठीक है बफलोज हॉर्सेज एंड शीप ऑल्सो लिव ऑन द फार्म जो बफलोज हैं हॉर्सेज हैं शीप है ये सब भी जो एनिमल्स हैं ये भी कहाँ रहते हैं फार्म पे रहते हैं बफलोज आर एनाज बेस्ट फ्रेंड्स जो बफलोज हैं वो एना की बेस्ट फ्रेंड्स हैं यहाँ दो जगह पे क्या आया अपोस्ट एस आया ठीक है इसका मीनिंग मैंने आपको लेसन थ्री लिटिल पिग्स ने बताया था ना कि अपोस्ट एस का मीनिंग क्या होता है मतलब उसका जैसे एनाज है तो इसका मतलब एना का एनाज हस्बैंड एना का हस्बैंड एंड एनाज बेस्ट फ्रेंड्स मीन एना के बेस्ट फ्रेंड्स ठीक है अपोस्ट ऑफ एस का मीनिंग ये होता है नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन्स हेयर आई विल रीड ओनली क्वेश्चन मैं क्वेश्चन रीड करूँगी हर क्वेश्चन के थ्री ऑप्शन हैं और उसमें से एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ठीक है आंसर्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन चलो लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज हु इज एना हु मीन्स कौन एना कौन है क्वेश्चन नंबर टू इज वेयर डज एना लिव वेयर मीन्स कहा लिव मीन्स रहती एना रहती है क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट डज एना ईट वॉट मीन्स क्या ईट मीन्स खाती एना क्या खाती है क्वेश्चन नंबर फोर इज वॉट डज एना गिव अस वॉट मीन्स क्या गिव मीन्स देती अस हमें एना हमें क्या देती है क्वेश्चन नंबर फाइव इज हु हु आर बेस्ट फ्रेंड्स कौन एना के बेस्ट फ्रेंड्स कौन है क्लियर क्वेश्चन आर क्लियर नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ अ पैसेज फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एना एना कौन है चलो लेट्स फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन इज एना इज अ काउ इसका आंसर तो हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल गया है ना कि हु इज एना यहाँ लिखा हुआ एना इज अ काओ हमारे पास ऑप्शन थी थ्री काओ गॉट एंड बफ्लो बट राइट आंसर क्या है काओ तो हमने कहाँ टिक किया काओ के बॉक्स में टिक कर दिया क्वेश्चन नंबर टू इज वेयर डज एना लिव एना कहाँ रहती है चलो अब आगे पढ़ते हैं पैसेज को शी लिव्स ऑन अ फार्म हर फैमिली यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि शी वर्ड हमने किसके लिए यूज़ किया गया एना के लिए यूज़ किया इसका मतलब एना लिव्स ऑन अ फार्म विद हर फैमिली एना कहाँ रहती है फार्म पे रहती है हमें ऑप्शंस क्या क्या दी गई थी फॉरेस्ट फार्म बट राइट आंसर क्या है फार्म तो हमने कहाँ टिक किया फार्म पे टिक किया क्वेश्चन नंबर थ्री इज वॉट एना ईट एना क्या खाती है क्या क्या ऑप्शन हैं ग्रीन्स मीट ग्रास चलो हम पैसेज में से फाइंड करते हैं ठीक है आगे देखते हैं उसके बाद आया शी हैज़ अ क्यूट काफ एनाज अ बिग बुल अब नेक्स्ट लाइन है एना ईट्स ग्रास तो हमारा आंसर कौन सी लाइन में मिला इस लाइन में आके मिला जहाँ लिखा है एना ईट्स ग्रास तो हमने किसको टिक कर दिया ग्रास को टिक कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एना गिव अस एना हमें क्या देती है एना ईट्स ग्रास एंड गिव्स मिल्क एना क्या देती है हमें मिल्क देती है तो हमने किसको टिक किया मिल्क को टिक किया ऑप्शंस क्या क्या थी मिल्क ग्रास एंड ग्रेन्स बट हमने किसे टिक किया मिल्क को टिक किया नेक्स्ट इज हु आर एनाज बेस्ट फ्रेंड्स एना के बेस्ट फ्रेंड्स कौन कौन है ऑप्शन क्या क्या हैं हॉर्सेस शीप बफलूस चलो लेट्स फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैसेज मिल्क तक हमने रीड कर लिया उसके बाद देखते हैं बफलोज हॉर्सेज एंड शीप ऑल्सो लिव ऑन द फार्म नेक्स्ट लाइन इज बफलोज आर एनास बेस्ट फ्रेंड्स तो एना के बेस्ट फ्रेंड्स कौन है बफलोज तो हमने किसको टिक कर दिया बफलोस को ठीक है मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा ये पैसेज करने में है ना क्योंकि आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ा आपने सिर्फ रीडिंग की उसे अंडरस्टैंड किया और जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो पैसेज में से फाइंड कर लिए तो इसका मतलब आपको क्या हो करना चाहिए आपको अच्छे से रीडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए ठीक है आप डेली किसी भी बुक में से ना टू या थ्री लाइंस डेली रीड किया करो ताकि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो जाए ठीक है क्लियर नाउ आई एम सेंडिंग यू वन मोर पैसेज फॉर योर होमवर्क आपको मैं एक पैसेज सेंड कर रही हूँ होमवर्क के लिए उसे भी आपने ऐसे ही पहले अच्छे से रीड करना है पैसेज को फिर उसके क्वेश्चंस को करना रीड फिर जो उसके आंसर्स हैं पैसेज में से फाइंड करने हैं आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर ओके थैंक यू